पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कराकट लोकसभा सीट से भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने कराकाट लोकसभा सीट से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि कराकाट लोकसभा सीट पर जो लड़ाई होने वाली है वो लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। जहां एक ओर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह है तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है। तो वहीं महागठबंधन ने इस बार कराकाट लोकसभा सीट से राजा राम कुशवाहा को मौका दिया है। जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय लड़ाई है कराकाट लोकसभा पर। अब ऐसे में काफ़ी दिलचस्प होगा कि देखना कि कौन किसको मात देता है। लेकिन आज भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन करने से पहले महादेव के दर्शन करते हुए नजर आए पवन सिंह, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तो वही आपको बताते चले कि अभी कहते हुए नजर आए कि माँ के आशीर्वाद से आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि दाखिल करने से पहले पवन सिंह भोलेनाथ के दरबार भी गए, जहां पर पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। पवन सिंह ने कहा था कि उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लेने के बाद चुनावी मैदान में उतरे हैं और जीतेंगे। यहां एनडीए की ओर से रालोजित नेता उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन की ओर से माले नेता राजा राम कुशवाहा को टक्कर देने वाले हैं। इस सीट से मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। बता दें कि करीब 15 दिन पहले रेंज रोवर से उन्होंने रोड शो किया था, बुलडोजर से उन पर फूलों की बारिश की गई थी। पवन सिंह के काफिले में 150 गाड़ियां शामिल हुई थी। कई जगह भीड़ उन्हें देखने के लिए बेकाबू भी हो गई थी। इस रोड शो के बाद पवन सिंह पर 5 थाने में FIR भी हुई थी। बता दें कि पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। भाजपा के 16 राज्यों के 195 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट में उनका भी नाम था, लेकिन पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भाजपा ने यहां से SS आहुल्या को उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि पवन सिंह आरा से लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। तब पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया और आज कराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि पवन सिंह को देखने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ती है, सिर्फ एक झलक पाने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ती है। इस बीच में पवन सिंह ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। ये जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय होने वाली है कराकाट लोकसभा सीट पर, तो देखने वाली बात होगी कि कौन किसको मात देता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।